आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ। उस वक्त मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, आप जिनके साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए जिनकी चरण में पड़े, जिनके पैर में पड़े, वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार क्या कर रहे थे? वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। भाई और बहनों, राहुल बाबा पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने कहा 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार है। कश्मीर के अंदर लाल चौक पर जाना दुष्कर था, आज लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस आन बान और शान के साथ निकल रहा है। भाई और बहनों, मैं आज उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी महाराष्ट्र की जनता के सामने, बाला साहब के अनुयायियों के सामने स्पष्ट कर दो, आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए या धारा 370 के संरक्षक कांग्रेस और एनसीपी चाहिए? और आपको भी तय करना है भाइयों बहनों, जो अपनी गद्दी संभालने के लिए, गद्दी प्राप्त करने के लिए शरद पवार और राहुल गांधी के शरण में जाए, वो महाराष्ट्र का गौरव नहीं संभाल सकते, महाराष्ट्र का गौरव नहीं संभाल।